संस्था वाले हैं लोग जो वो गरीब महिलाओं को ड्राइविंग सिखाते हैं, तो मेरे मन में एक उमंग जगी कि क्यों ना मैं भी सीखूं और कुछ करूं। मेरे पति ने बोला कि नहीं, ये काम मर्दों का है या तुम नहीं कर सकती। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, एक नया काम है, खाना बनाने का काम करती हूँ। तो मैंने कहा एक नया काम है, मुझे सीखने दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मगर सीखना चाहते हो सीख लो। फिर मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। एक नया काम था, मेरी एक नई पहचान बन गई। और मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, लेकिन जब मैं नौकरी पे लगी नगर निगम में, तो मेरी एक नई पहचान हो गई। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के द्वारा आई थी, तब मुझे थोड़ा डर था और फिर ऐसा लगा था एक पल के लिए कि मैं गाड़ी सीख पाऊंगी कि नहीं, मुझे ऐसा लगा था शुरू में जब मैं आई थी। फिर धीरे धीरे मैंने जब गाड़ी स्टार्ट किया और सर हमारे जो फैकल्टी है उन लोगों ने समझाया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से सीख सकते हो, थोड़ी हिम्मत दी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। सन 2015 में हमने इंदौर में नया कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम है वीमेन ऑन व्हील्स। इस कार्यक्रम महिलाओं को हमने प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। इसके चूँकि समान संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि हम महिलाओं को जो जेंडर वेस्ट ऑक्यूपेशन से बाहर निकाल कर नए रोजगार के साधनों की तरफ प्रमोट करें। तो इस प्रयास में हमने कोशिश की कि ड्राइविंग ऐसा काम है जिसमें महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत भी पड़ती है और साथ में महिलाओं को के लिए एक नया काम है, वो ड्राइविंग पेशे में जैसे पुरुषों का कब्जा है, हम चाहते हैं महिलाएं इस पेशे में आए। तो ये सोच के हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और 100 महिलाएं अभी तक ट्रेनिंग ले चुकी है, जिसमें से इंदौर शहर में 25 महिलाएँ एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर के रूप में डिप्लोमा कर रही हैं।